हेलो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को आज ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का बहुत ही इजी डायग्राम बताने वाली हूँ। ये डायग्राम बहुत ही ज़्यादा इजी बनेगा। आप लोग सभी स्टूडेंट्स या फ्रेंड्स ये वीडियो को पूरी देखिएगा, और ये वीडियो देखने के बाद अगर आपको ये डायग्राम इजी लगे तो आप वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। कोई भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देखेंगे तो उसे ये डायग्राम बिल्कुल भी भारी नहीं लगेगा, उसे ये डायग्राम बहुत ही ज़्यादा इजी लगेगा। तो मैं बताने वाली हूँ कि आप इजी तरीके से कैसे बना सकते हैं मानव उत्सर्जन प्रणाली को। तो सबसे पहले मानव उत्सर्जन प्रणाली यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम को बनाने के लिए आपको दो ट्यूब बनानी है। आपको माइंड में रखनी है कि आपको दो ट्यूब बनानी है। सबसे पहले आपको दो ट्यूब बना लेनी है ऐसे करके। अब इस दो ट्यूब से आपको ब्रांच निकालनी है ऐसे करके। ऐसे ब्रांच निकाल लेनी है, ठीक है। दो ब्रांच निकल गया, बस ट्यूब का काम यहां तक खत्म। उसके बाद आपने जो दो ट्यूब बनाया, एक का नाम है एरोटा, दूसरा का नाम वेना कैवा। अब इस ट्यूब से जो पहला वाला ट्यूब आपने बनाया, इसमें जो ब्रांच निकाला, इसके ऊपर से आपको किडनी का डायग्राम बनाना है। ऐसे करके, ठीक है। अब इसके ऊपर से भी किडनी का डायग्राम बनाना है, ठीक है। दोनों किडनी बन गया। अब दोनों किडनी में से आपको पहले किडनी से और एक पतली सी ट्यूब निकालनी है ऐसे। इससे भी आपको पतली सी ट्यूब निकालनी है एकदम ऐसे। अब ये दोनों ट्यूब जिस पार्ट से मिलेगा वो पार्ट बैलून की तरह दिखेगा, जिसे हम लोग यूरिनरी ब्लडर बोलते हैं। अब ये ब्लडर जो बनाया, इसके नीचे पार्ट्स में भी एक पंज जैसा पार्ट निकलेगा, ठीक है। यानी कि आपने क्या सीखा, आपने सीखा कि आपको दो ट्यूब बनानी है, दो ट्यूब में से दो ब्रांच निकालनी है, ठीक है। तो पहला वाला ट्यूब को क्या कहेंगे, पहले वाले ट्यूब को कहेंगे हम लोग अरोटा, और दूसरे वाले ट्यूब को क्या कहेंगे हम लोग, वेना कैवा, ठीक है। क्योंकि आपको ये याद होनी चाहिए कि एरोटा आर्टरी की सबसे बड़ी ट्यूब होती है और वेना कैवा वेन की सबसे बड़ी ट्यूब होती है। तो वेन वाला जो मैंने बनाया ट्यूब, उससे जो मैंने ब्रांच निकाला, ठीक है, और मैंने एरोटा जो बनाया उससे भी मैंने ब्रांच निकाला जो किडनी के अंदर से मिल जाती है, ठीक है। ये किडनी में जाके फैल जाती है छोटे छोटे कैपिलरीज में, ठीक है। उसके बाद अब आपको समझना है कि इसमें से लेफ्ट और राइट किडनी कौन है। तो ये वाली जो किडनी है वो लेफ्ट किडनी है, ये वाली जो किडनी है वो राइट किडनी है, ठीक है। ये आपको पता चल गया, लेफ्ट और राइट किडनी। अब एरोटा, एरोटा का जो ब्रांच मैंने बटा था, ये वाला ब्रांच, पतला वाला ब्रांच, इसे कहते हैं लेफ्ट रेनल आर्टरी, और मैंने जो वेना कैवा से जो ब्रांच बांटा था पतला वाला, इसे कहते हैं राइट रेनल वेन, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको। उसके बाद ये दोनों जो ट्यूब मैंने निकाला किडनी से, इसे कहते हैं यूरेथर, ठीक है, URETER, यूरेथर। और यूरेथर दोनों साइड है, तो ये वाला हो जाएगा लेफ्ट यूरेथर और ये वाला हो जाएगा राइट यूरेथर, ठीक है। अब ये जो मैंने बनाया नीचे वाला, इसे कहते हैं ब्लडर, यूरिनरी ब्लडर, क्योंकि इसी ब्लडर में यूरिन जमा रहता है। और ये वाला जो लास्ट वाला पॉइंट वाला पार्ट है, इसे कहते हैं यूरेथ्रा, URETHRA, यूरेथ्रा, और इसी यूरेथ्रा से यूरिन बाहर निकलता है। इसलिए स्टूडेंट्स, मैं एक बार और आप लोग को बता देती हूँ कि
ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम बनाने के लिए आपको दो ट्यूब पहले याद रखना है, दो ट्यूब बनानी है। अब ये दोनों ट्यूब सेम जैसे लग रहे हैं देखने में, तो मैं क्या कर रही हूँ, वेना कैबा को हल्का सा कलर कर दे रही हूँ ताकि आपको डिफरेंट नजर आए कि दोनों अलग है। जो मैंने हल्का सा शेड कर दिया पेंसिल से वो है वेना कैबा, जो सिंपल दिख रहा है आपको खाली वो है अरोटा। आपको ये दोनों ट्यूब पहले बना लेनी है, उसका ब्रांच बना लेना है, जहां से आप ब्रांच बनाएंगे वहां से दोनों किडनी बना लेना है, फिर किडनी के बीच से एक पतली सी ट्यूब निकालनी है जिसे यूरेथर बोलते हैं, ठीक है। फिर यूरेथर जो होता है वो यूरिनरी ब्लडर में जाके ये ट्यूब मिल जाता है, फिर यूरिनरी ब्लडर का लास्ट वाला जो पार्ट होता है यूरेथरा बोलते हैं उसको, ये लेफ्ट किडनी ये राइट किडनी। और वेना कैबा से जो ट्यूब निकलता है जो ब्रांच से बढ़ता है उसे रेनल राइट रेनल वेन बोलते हैं, और अरोटा से जो ट्यूब निकलता है पतला वाला उसे लेफ्ट रेनल आर्टरी कहते हैं। तो है ना ये इजी डायग्राम स्टूडेंट्स, तो ये डायग्राम को आप पूरी देखिएगा। मैं श्योर हूं कि आप लोग ये वीडियो देखने के बाद बिल्कुल निश्चिंत हो जाएंगे, आपको ये डायग्राम बहुत ही इजी लगेगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, टेक केयर एंड बाय।